जी दीदी माइक ऑन करो, क्या तो माइक ऑफ है, तो माइक ऑफ है दीदी। हाँ जी, वेलकम है सबका आज के सेशन। जस्ट मिनट, हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्लीज? हाँ जी, उनकी तारीफ। मीनू मैसेज कर दो प्लीज। ठीक है दीदी, वो आवाज ठीक आ रही है। ओके ओ है जी। हाँ जी, वेलकम है सबका आज के सेशन विच। आज का सेशन अपना बहुत जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन विच असी एक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी डिश बनाउणी तुहानू दसांगे, जो असी बच्चों लई या खुद भी असी मतलब टेस्ट कर सकते हैं, जिदा बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम दे अंदर ये डिश बन जाएगी, है ना? ते मतलब जस्ट 15-20 मिनट लगते हैं इस डिश नू बनाउण लई। एक हेल्दी एंड टेस्टी डिश है। आपां देखते हैं कि बच्चों नू केक, ब्रेड, है ना, इहो जी चीजा बहुत पसंद होंगे, बट किवें एवें दीयां चीजा नू असी मोडिफाई करके कुछ एवें दा बनाइए कि जो बहुत ही घट टाइम के अंदर भी मतलब बन जाए, तो बहुत ही टेस्टी भी लगे, हेल्दी भी लगे, है ना? ते आप स्टार्ट कर दे अज की डिश। ये भी लिखी है कि सब तो पहला मैं इंग्रेडिएंट्स बारे दसूंगी, ये की चाहिए सानू। सब तो पहला सानू ब्रेड चाहिए है। मैं इतने ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ, ब्राउन ब्रेड चाहिए सानू इतने। ठीक है, फर्स्ट नंबर से। सेकंड नंबर से साढ़े को कोकोनट का बुरादा है, जिदा कोकोनट होंगे ना, कोकोनट का बुरादा है। ठीक है, थर्ड नंबर से मैं काजू ते मतलब बादाम ये मिक्सी से ग्राइंड किए हुए हैं, ये पेस्ट भी बनाना है असं। ठीक है, फोर्थ नंबर से मैं इतने पिसी हुई देसी खंड होंगी है, वो यूज करूंगी थोड़ी जी। तो हाँ असं चेरीज ने मैं 2-3 कलर दियां अपनी लिया हुई ने, है ना, ये जी। ठीक है, ते नाल हो गया क्रीम। क्रीम है जिहड़ी, ये कच्चा दुध जिदा आपां दुध बॉयल किया हुंदा वा, ते ओहदे उपरों मतलब आपां फ्रिज च ला के रखी दी ओह वाली क्रीम है। ठीक है, ये हो गया। ते उस तो बाद ये जिदा आपां मैं तकरीबन एक पैकेट जिदा ब्रेड लई 2 गिलास पानी नूं बॉयल किया है। पानी आपां तकरीबन 10 तों 15 मिनट बॉयल करना है। ते ओहदे विच मैं जिहड़ा आपां मतलब चावल बनाने हैं, है ना, जिहड़े जरदा बनाने हैं, वो वाला कलर इहदे विच मेंशन कीता वा। यानी अपना अगर 100% पानी है उहदे विच आपां कहीए तां 30% पानी सुक जाएगा, 70% पानी रहेगा। आपां मतलब चाणी टाइप नहीं बनाना है, पतला ही रखना है। ठीक है, इस तरीके आपां स्टार्ट करते हैं। इत्थे मैं साडा प्रोटीन पाउडर लिया है, ये भी मैं ऐड करदी हुंदी हां विच। ठीक है, ते हुण आपां स्टार्ट करते हैं कि अज का जिहड़ा सैशन है इहदे विच असीं किद्दां मतलब अपने घरे बच्चियां लई बहुत ही हैल्दी डिश किद्दां बनाउणी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्राउन ब्रेड तक दस्या सी, इहनूं मैं इस तरीके नाल स्लाइस कट्टियां हुई ने गिलास दे नाल, जिद्दां ना तुसीं सेंटर दे विचों कट के ते साइड वाला होके ते इदां अपने गोल गोल हो गए इस तरीके दे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल असीं ब्रेड ब्रेडा नूं इस तरीके दे नाल मतलब आपां पीस कर लैने आ। ठीक है, ते इथों उस तो बाद मैं पेस्ट बनाऊंगी, मेन पेस्ट है देखनी है तुसीं किद्दां। एक क्रीम होगी जिहड़ी आपां मतलब लई हुई है। ठीक है, क्रीम दे विच मैं अपने जिहड़े ड्राई फ्रूट ने मिक्स करूंगी। ये मैं पेस्ट बना रही है जिहड़ी आपां अपनी पेस्ट्री दे विच फिल करनी है, वो तो इच्छा है तुसीं की किन्ना किन्ना मतलब मैं साडे उहदे अकॉर्डिंग पेस्ट दे अकॉर्डिंग या जिन्नी मैं बनानी है क्वांटिटी उहदे विच यूज कर रही हां। ये काजू बादाम मैं ग्राइंड किए हुए ने, वो मैं पा दूंगी। ठीक है, दैन उस तो बाद मैं थोड़ा जिहा जिहड़ी खंड मैं थोड़ी जी ऐड कर रही हूँ, बिकॉज साडा ये भी मिठे होंगे ने, है ना, क्रीम भी मिठास च होंगी, इसलिए मैं घट पाई, क्योंकि बाहर जिहड़ा साडा मतलब जिहड़ा असीं पानी तैयार किया उहदे विच खंड पाई हुई है, इसलिए थोड़ी यूज करांगे आपां। उस तो बाद साडियां जिहड़ियां चैरीज ने इहनां नूं मिक्स कर लांगे। इहनां नूं आपां पा सकते हैं, बिकॉज इहनां दा फ्लेवर जिहड़ा टेस्ट आ बहुत वधिया होंदा। ये एक पेस्ट आपां तैयार कर लेंगे, इनू आपां अच्छे तरीके नाल मिक्स कर देंगे, क्योंकि इन्हां नूं असीं फिल करना है ब्रेड दे विच, दो पीस जोड़ के।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਗਰੋਥ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਸਟਲੈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। एक हार्ड जिहा पेस्ट बन जाता है। तुसी देख सकते हो इस टाइप का ही पेस्ट बन जाता है, ठीक है। हुण असीं की करना वा, ये जिहड़ी मैं ये जिहड़ा पानी दिया कि मैं दो गिलास पानी पा के 10-15 मिनट बॉयल किया सी, उहदे विच मैं चीनी पाई सी जिन्नी असीं मतलब साडे टेस्ट दे अकॉर्डिंग मैं चीनी पाई सी। फिर उस तों बाद मैं कलर पाया सीगा, कोई भी फ्रूट कलर तुसीं पा सकते हो, मैनूं इह कलर मेरे को अवेलेबल सीगा, मैं इह वाला पाया। इस करके पानी तुसीं बॉयल करके ते कुछ टाइम मतलब इहनूं फिर ठंडा, इह मैं काफ़ी टाइम का रखा हुआ ठंडा हो गया वो पानी, ठीक है। हूँ इन्हू किया आप फिलिंग करा सा ब्रैड है इन्होंने फिलिंग करा जिस तरह इस तरीके दे नाल जी गोल गोल पीस है इन्होंने असी एक लेयर बनानी है इन्होंने। दूसरा आप इसके उपर लगा देंगे ऐदा इस तरीके, ठीक है। ये बच्चों व्डिया सबनों बहुत ही टेस्टी एक आप कह सकते अपनी एक है ना डिश बनती है, बहुत टेस्टी लगती है सबनों, बनती भी बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं हैल्दी भी है, नुकसान भी करती है, कोई एवं की चीज नहीं हैगी। जो साढ़े घर के सब कुछ उ जस्ट एक ब्रैड आप मार्केट चो लैके आए हैं या बस थोड़ा जहा चेरीज लैके आए हैं, अदरवाइज सारा कुछ साढ़े घर अवेलेबल हों। इस तो बाद की करना है आप एक प्लेट दे कोकोनट का बुरादा है ना, कोकोनट बुरादा है इन आप असी खिलार लें इस तरह। दैन असी ये जी सा पानी दे विच ये जिस तरह है इन्हों बहुत ध्यान ना डिप करके नहीं रखना, बस नाल दी नाल असी जस निचोड़ देना है। असी दोनों साइड इस तरीके ना साडे एदा तीन पीस मैं रेडी करती हूँ। इमीजिएटली रेडी होने वाली डिश है, बट इन्हों की है जिदा असं फ्रिज से रख दिए है ना, एक दो घंटे रखने तो बाद ठंडी होके बहुत ज्यादा टेस्टी बनती ऐदा साड़ी चटपट है ना कुछ टाइम के अंदर ही साड़ी डिश रेडी हो गई है। दैन असी इन्हू सर्व करांगे करके
ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰੋਇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਇਹ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈਲਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਹੈ ਹਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ